नमस्कार साथियों, सी बी बी गुरु में आप सभी का स्वागत है। एच पी आई टी मेरिट लिस्ट 2022 दोस्तों जारी हो चुका है, यानी हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट मेरिट लिस्ट दोस्तों जारी हो चुका है। आपको बता दें, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 17 तारीख को जो है 17 अगस्त को ITI की मेरिट लिस्ट आ जाएगी हिमाचल प्रदेश। तो फाइनल तो आपको बता दें कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आइए काउंसलिंग रिजल्ट चेक करते हैं कि आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में या नहीं आया है। अगर नाम आया है तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जो है मतलब कि आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। अगर नहीं आएगा तो आप सेकेंड लिस्ट का वेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कैसे अपना फर्स्ट लिस्ट चेक कर सकते हैं वैसे, तो चलिए ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं अपना फर्स्ट मेरिट लिस्ट। दोस्तों रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है और सर्च करना है हिमाचल प्रदेश ITI एडमिशन 2022। और जब इस पे सर्च करेंगे, यहाँ पे जब से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये वाला ऑफिशियल साइट। आपको ऑनलाइन एडमिशन 2022 CHP तकनीकी शिक्षण बोर्ड आपको दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने हिमाचल प्रदेश की साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए पॉलिटेक्निक क्या दिया हुआ है। इसके बाद नीचे तो एडमिशन 2022 का यहाँ पे दिया गया है। अब करना क्या है, जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था फिर से आपको वहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन ITI एडमिशन, तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद तो आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया है यूज़र लॉगिन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है और पासवर्ड नंबर भरना है, ठीक है। इसके बाद लॉगिन कर लेनी है। जैसे लॉगिन करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से एक साइट ओपन आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो जाएगा और फिर लिखा रह गया यहाँ पे तीसरा नंबर, थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे लिखा सीट अलॉटमेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जब सीट अलॉटमेंट पे क्लिक करेंगे आपका अगर नंबर आया रहेगा तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा आपका कॉलेज नेम, आपका नाम वगैरह दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम दिखाई देगा, इसके बाद जो आपका कॉलेज वगैरह, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ट्रेड मिला है और किस डेट को जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे लिखा रहेगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। दोस्तों यहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड कर लेंगे आपको ये डाउनलोड करके डाउनलोड जो करेंगे वो लेटर आपको काउंसलिंग के समय लेकर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पे कौन सा ट्रेड आपको मिला है, यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट नेम दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये मंडी का है। और यहाँ पे जो कोर्स दिया है, कोर्स में क्या मिला है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का मिला हुआ है, यानी इनको मिला है ICT असम, ये इनको ट्रेड मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स तो इस तरह से आपका जो है ट्रेड मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे सीट अलॉटमेंट स्टेटस दिया गया है, जो आपका काउंसलर होगा। यहाँ पे काउंसलर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। जब आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लिंक एक और यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ से डाउनलोड करके फिर इसके बाद जो है आप डाउनलोड जब कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और आपका नाम पूरा डिटेल मतलब आपको मिल जाएगा कि क्या क्या आपको मिला है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कि इसमें जो है कौन सा ट्रेड मिला हुआ है और जो है इसमें कितने डेट को जाना है, डेट इसमें लिखा रहेगा। और गवर्नमेंट ITI कौन सा है, कौन सा कॉलेज मिला है, वो भी आपको दिखाई देगा। और उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट को लेकर आपको जाना है। तो फाइनली अगर आपको लगता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप जो है उस कन्फ्यूजन से दूर हो जाएँ। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मेरे पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।